पीरियड डेट से 5 दिन पहले हमें ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये किस कारण हो रहा है, हमें कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी? इस तरह के काफी मन में आपके सवाल आते हैं कि ये ब्राउन डिस्चार्ज हो क्यों रहा है ना। इस तरह के आप लोग नीचे सवाल करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैडम हमें प्रेगनेंसी लगने के चांस तो नहीं है, या फिर हमने तो रिलेशन ही नहीं बनाया तो क्या प्रेगनेंसी लग सकती है, या फिर एक बार रिलेशन बनाया। इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल आते हैं, तो आज इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, काफी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो देखिए देखिए, आपको अगर अपनी पीरियड डेट से 5 दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का फुल्का स्पॉटिंग में हो रहा है, तो क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर हमें क्यों हो रहा है? तो बिल्कुल आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये हो सकती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो हल्की पिंक कलर की ही नहीं होती है, वो हल्की ब्राउन कलर की ब्राउन डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है, और आपकी पीरियड डेट से 5 दिन पहले इस तरीके से हो सकता है। ज्यादातर जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो पीरियड डेट मिस होने के बाद होती है या फिर पीरियड डेट पे होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 5 दिन पहले पीरियड के इस तरीके से हो सकती है, या 1 हफ्ते पहले इस तरीके से हो सकती है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो लास्ट पीरियड आया था, पिछले महीने जो लास्ट पीरियड आया था, उसके बाद रिलेशन बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव थी, उस महीने आपने रिलेशन बनाया, अपनी लास्ट पीरियड डेट आने के बाद आपने रिलेशन बनाया कंटिन्यू, या फिर बीच बीच में भी बनाया, आपको इस चीज का सोचना है, याद करना है कि हमने रिलेशन बनाया या नहीं। अगर आपने रिलेशन बनाया होगा बीच में, लास्ट पीरियड आने के बाद बीच में रिलेशन बनाया होगा, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये पीरियड डेट से 5 दिन पहले हो सकती है, जो कि बहुत कॉमन है ना। तो इसमें आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा, आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, वहां पे आप कंफर्म हो जाएंगी। पीरियड डेट मिस होने के बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए तो एक तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने रिलेशन ही नहीं बनाया है, यानी कि जो पिछला महीना पीरियड आया था लास्ट पीरियड, उसके बाद आपने रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाया, तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी लग ही नहीं सकती है ना। जैसे कि जो ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही रिलेशन बनाया है, और उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं बनाया, लास्ट पीरियड आने से पहले बिल्कुल भी नहीं बनाया, और 1 दिन ही बनाया, वो भी जो ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले, तो ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको लंबे समय के बाद रिलेशन बनाने से भी हो सकता है, यानी कि लंबे समय बाद आप सेक्स कर रहे हैं, तो उस कारण भी आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पुराना पीरियड का ब्लड होता है वो निकल रहा होता है हल्का फुल्का स्पॉटिंग में, क्योंकि जब आपको ऑर्गेज्म होता है या फिर रिलेशन बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है आपके बच्चेदानी में, तो जिस कारण की हल्की फुल्की स्पॉटिंग बची हुई आ सकती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी जल्दी नहीं हो सकती कि आप रिलेशन बना रहे हैं 5 दिन बाद हो जाए, है ना, तो ये इतनी जल्दी नहीं होती। तो इस चीज़ को आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपने बीच में बनाया है या नहीं बनाया है, फिर जो स्पॉटिंग हो रही है उससे कुछ दिन पहले ही बनाया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरे अच्छे से सुनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, है ना, कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपने रिलेशन बनाया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, वहां पे कंफर्म हो जाएंगी आपकी प्रेगनेंसी लगी है या फिर नहीं लगी है। और प्रेगनेंसी टेस्ट पे भी काफी ज्यादा वीडियोस हैं, कई बार आप लोगों के सवाल होते हैं कि हल्की लाइन आ रही है, हल्की पिंक लाइन आ रही है, या फिर 1 घंटे बाद हल्की पिंक लाइन आ रही है, काफी ज्यादा सवाल होते हैं, पूरा प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं वीडियो और हेल्प ले सकते हैं। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, आपके अवेयरनेस यानी कि हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आती हूँ इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।